सो फाइनली गाइज वेलकम बैक टू सी एस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइज जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सी ई टी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी डेडलाइन एक्सटेंड होनी चाहिए, जैसे हर सी ई टी की एक्सटेंड होती है। सो वैसे ही अभी एक नोटिस भी आ गया है रिगार्डिंग और एम एस टी सी ई टी 2024। सो जो आपको लास्ट एग्जाम की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की डेट थी वो थी 1 मार्च, अभी उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। सो अभी आप इंजीनियरिंग और फार्मेसी दोनों के लिए आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन दी ऑफिशियल सी ई टी सेल वेबसाइट, जिसकी जो लास्ट डेट हो गई है वो भी 8 मार्च है। सो आपको 8 मार्च से पहले अपना पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विथ एप्लीकेशन फॉर्म विथ फी पेमेंट सब चीज़ आपको कंप्लीट करके रख देनी है बिफोर 8 मार्च, एंड प्रोबेबली 8 मार्च विल बी द लास्ट डेट फॉर दी फॉर्म। सो ये हुआ। बाकी इस साल एम एस टी सी ई टी में अगर आपको मालूम होगा तो एक मेजर चेंज है। इस साल सबसे पहले आपकी फार्मेसी की एग्जाम हो रही है, उसके बाद इंजीनियरिंग की एग्जाम हो रही है। मतलब पी सी बी ग्रुप का सबसे पहले होगा जो होगा 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में। उसके बाद आपकी इंजीनियरिंग पी सी एम ग्रुप की एग्जाम होगी जो होगी 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। अभी इन दोनों एग्जाम का एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा? सो फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑलमोस्ट 8 से लेकर 9 अप्रैल के बीच में रिलीज हो सकता है, एंड जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उनका एडमिट कार्ड 16 से लेकर 18 अप्रैल के बीच में रिलीज़ हो सकता है, बिकॉज जो सी ई टी सेल है ना वो आपका 8 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ करती है। सो उस हिसाब से आपका एडमिट कार्ड 1 हफ्ते पहले रिलीज़ हो जाएगा, सो डोंट वरी। और एडमिट कार्ड जैसे ही रिलीज़ हो सबसे पहले अपना सेंटर देखना कि आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेंटर अलॉट हुआ है या नहीं। उसके बाद देखो कि आपको कौन से शिफ्ट में एग्जाम हुई है। जैसे जेईई मेंस में शिफ्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी सी ई टी में भी आपका एग्जाम का शिफ्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके परसेंट आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होते हैं, जैसे जेईई मेंस में कैलकुलेट होते हैं वैसे ही। सो ऐसे सब चीजें हैं। बाकी जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हम पूरा डिस्कस करेंगे कि एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें देखनी है, और करेक्शन विंडो भी ओपन होगी तो करेक्शन विंडो के ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे कि करेक्शन विंडो में कैसे करेक्शन करना है। बाकी अभी भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं किया तो आप अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हो, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है। जैसे ही आप लॉग इन करोगे आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल भी एडिट कर पाओगे। सो कोई मिस्टेक हो जाए तो आप एडिट कर लेना। सो गाइज ये तो एक छोटा वीडियो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो गाइज एक लाइक बनता है। बाकी आप अगर इस चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।